हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में रोडवेज बस में हुए धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले पानीपत में लगातार दो ट्रेनों में धमाके हो चुके हैं। अब कुरुक्षेत्र में धमाके से माना जा रहा है कि हरियाणा आतंकवादियों के निशाने पर है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बस की छत उड़ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना में 12 लोग घायल हुए हैं जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब धमाके की जांच के लिए स्टेट लेवल की SIT का गठन किया गया है।